बैक, नाजरीन ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नसीम। आपका नाम? मुक्तावर। आपका नाम? मैं विशा। क्या रिश्ता आप सबका? ये मेरी पोती है, ये मेरी नवासी है। अरे वाह माशाल्लाह, तो आज नानो दादो के साथ एंजॉय हो रहा है? जी। ओके, दोनों में से ज्यादा लड़ने कौन? तू नहीं है। बराबर की? बराबर की। आपको क्या लगता कौन है? दोनों। और आपको क्या लगता? मैं। क्यूट। हर छोटे को यही लगता है। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताएं, इलामा इकबाल ने अपनी पहली किताब किस जुबान में लिखी थी? फारसी में। फारसी। क्लैपिंग करो इनके लिए, क्लैपिंग करो, सही से करो, आप भी करो। ये आदमी क्या पकड़ा हुआ है, दिखाओ पैसे। ये किसने दिए पैसे? किसने दिए? इसकी मामा ने। ये लो। चलिए जी, आप क्या शेयर करेंगे? मैं क्या करूँगी, आप कुछ अच्छा बना लेती हैं। हाँ जी, मैं खाना बनाती हूँ भाई। बताएं कैसे बना? क्या बताऊँ? आलू गोश्त बताएं। आलू गोश्त बनाती हूँ। कैसे बनाएं? उसको क्या मसाला, प्याज तो काटती हूँ, फिर उसके बाद वो सारा मसाला डालती हूँ, फिर उसको ज़रा रेड करके, फिर गोश्त डालती हूँ, फिर उसको डाल करके, फिर आलू डालती हूँ, फिर उसको भी थोड़ा सा भून के फिर पानी डाल देती हूँ। वेरी नाइस सर, आपका सुनाओ। शेर है लोग वही जहाँ में अच्छे, जो आते हैं काम दूसरों के। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world, so high, like a diamond in the sky. Very nice, beta. Lahore news ki taraf se aap logon ke liye gaye. Thank you. जी बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। बिल्कुल इनामा इकबाल की जो पहली किताब थी वो फारसी में थी। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मुनीर। आपका नाम? रुजिहा। आपका नाम? नेहा। कौन सी क्लास में हो? वन में। बहुत प्यारी हो। दांत कहाँ गए? टूट गए। चूहे को मारना था। हाँ, ये क्या उम्र है इसकी? 3 साल। 3 साल। दोनों में से ज्यादा लाडला कौन है? इन दोनों में? दोनों लाडली मेरी वैसे। ये ध्यान है। ओके, और शरारती ज्यादा कौन? ये शरारतें करती हो। ओके जी, मुझे बता दें इलामा इकबाल की सबसे ज्यादा जो लिखी गई शायरी है वो किस जुबान में है? फारसी में और उर्दू में। एक बताएं सबसे ज्यादा। पक्का? पक्का। क्लैपिंग करो बाबा के लिए। क्या शेयर करेंगे? शेर है इकबाल साहब का, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वेरी नाइस। और आप? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब तो वो डायमंड तो आई लाइक अ डायमंड, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मजा आया। दो उनके बच्चे थे, छोटे वाले वो कह रही थी कि ज़्यादा लाडली है। अच्छा, बहुत बड़ी सजेशन है, ज़रूर फोकस करें बच्चों में, बराबरी करें। वो माँ बाप जिनके बच्चे होते हैं 3-4, वो क्या करते हैं, किसी एक को ज़्यादा लेवल देना शुरू कर देते हैं, भाई ये बड़ा क्यूट है, ये पता नहीं क्या है, इसकी ज़्यादा सुनो, इसको प्रोटेक्ट करो। नहीं, जो बड़ा है या जो छोटा है, अगर बड़े को प्रेफर करें उसके बड़ा होने पर, तो छोटे को छोटे होने की सजा ना दें, और अगर छोटे को प्रेफर कर रहे हैं तो बड़े को बड़े होने की सजा ना दें। सब बच्चों को बराबर लेके चलें, जितना कॉन्फिडेंस आप उनको अभी देंगे बड़े होके वो उतने ही अक्लमंद निकलेंगे। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी जीशान। पारिया। क्या करते हो आप? मैं जॉब कर रही थी, आजकल हाउस वाइफ हूँ। क्या जॉब कर रही थी आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वेरी नाइस। सर आप? जी मैं भी जॉब कर रहा हूँ जी, मैं कैनेडियन कंपनी में होता हूँ। ओके, कितना टाइम हो गया शादी को? 2 साल। आपका क्या, इनकी एक अच्छी आदत बताएं? इनकी अच्छी आदत, ये बहुत कूल माइंडेड हैं, और जो अगर मुझे गुस्सा होता है उसमें बड़ा अच्छा बिहेव करती हैं, तो उसका इफेक्ट अच्छा ही होता है कि मेरा गुस्सा काम डाउन हो जाता है उसके बाद। और एक बुरी आदत? बुरी आदत ये है कि ये सोने, वीकेंड जब होता है ये कहती है मैंने सोना है, और मैं कहता हूँ उठ के ज़रा डे इन्जॉय करती हैं। और आप बताएं एक अच्छी और एक बुरी आदत? गुस्सा ऐसी सेहत, और अच्छी आदत इन्जॉय करवाते हैं। ओके, मुझे बताएं मुफक्किरे पाकिस्तान का खिताब इलामा इकबाल को मिला था, तो हकीमुल उम्मत का खिताब किसको मिला था? जी हिस्ट्री से इतना लगाव नहीं है, लेकिन यह है कि इसके बारे में कुछ तरह मालूमात नहीं है। ट्राई कर ले रैंडम। तो का आई थिंक हफीज जिलंदरी को मिला था।
आइडिया। कोई बात नहीं, क्या शेयर करें? आ चुके एक बाल डे है तो उस वजह से मैं आपको शेयर सुना देता हूँ, क्योंकि हमारे वो कौमी शायर थे तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि तू शाही है परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो मैं अपनी आवाम को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि चूँकि इकबाल डे है, इकबाल ने हमारे लिए एक ख्वाब देखा था, तो हमें चाहिए कि उस ख्वाब की ताबीर इस तरह से करें कि हम एक पाकिस्तान को एक अच्छा घर बनाएं, इसको अपने अपने घर के तौर पर लेके चलें, लाहौर को साफ सुथरा रखें। हम ब्यूटी टिप हैव लॉट्स ऑफ वाटर फॉर योर गुड स्किन, दैट्स इट, वेरी नाइस। ये लें जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, और आफ्रा की तरफ से आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट। थैंक यू, वेलकम जी। एक नाइस फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया, हमने इनसे बात की और इनको सही जवाब नहीं आया तो मफक्र पाकिस्तान का खिताब अल्लामा इकबाल को मिला था, तो हकीम अल उम्मत का खिताब किसको मिला था? आप लोग तब तक सर्च करें, हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद खान। आपका नाम? क्या उम्र है जी? साल का। क्या करते हैं आप? अभी हम कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का? और आप? हाउस वाइफ। चले जी, मुझे इनकी एक अच्छी आदत बताएं। तकरीबन सारी ही अच्छी हैं, कोई एक बताएं। ये है कि मुझे शॉपिंग वगैरह ये कोई काम में टोकते नहीं है। और बुरी आदत? बुरी आदत तो कोई भी नहीं है। आप इनकी एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। हमारा लव मैरिज है, सब आदतें मुझे पसंद हैं। ओ लव मैरिज। लव मैरिज है, और हम इनको पूरे पाकिस्तान घुमाते फिराते हैं, किसी दुनिया की कोई टेंशन नहीं होती, तो जब घर में सुकून है तो सब कुछ। ओह दैट्स सो नाइस। तो कैसे हुआ प्यार, कहाँ मिले थे पहली दफ़ा? बस हमारा ऐसे कई मुलाकात हुई, फिर फोन पर रब्ता हुआ, फिर उसके बाद जो है हम एक दूसरे। कितनी देर में मान गई थी? हालांकि इनका और मेरा जो है ना उम्र का बहुत फर्क है, लेकिन प्यार मोहब्बत दुनिया से ज़्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यार ही जो है वो काउंट करता है, उम्र काउंट नहीं करती। आप मुझे ये बताइए कितनी देर में मानी थी? ये मैं 8-9 महीने में मानी। 8-9 महीने कोशिश जारी थी? कोशिश जारी। अच्छा 8-9 महीने क्यों लगा दिए? बस चेक कर रही थी कि सच्चे हैं या नहीं। बिल्कुल। अब क्या लगता है कि सही डिसीजन था? सही डिसीजन। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए शादी को। 2 बेबियाँ हैं माशाल्लाह। तो 5 साल में कहीं ये बदले तो नहीं? नहीं 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 बदले। पक्का? नहीं बदले। आगे भी ना बदलिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले जी, मुझे बताइए अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे? 8 नवंबर 1877। थोड़ा सा आपने कम कर दिया, आगे करें। 76। चलिए कोई तो 18 में गया। 76 कितने होते हैं? 6 7 7 6 7 6 18 7 6। राइट आंसर, क्लैपिंग करें भाई, किसी ने तो सही जवाब दिया, क्लैपिंग करें। अल्लामा इकबाल 1876 को ही पैदा हुए थे। वेरी वेरी नाइस, पहली हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। क्या पढ़ा आपने? मैट्रिक किया। फिर भी यार वाओ, अभी तक पता है कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। क्या सुनाने वाले हैं आपको? शेर सुनाते हैं, पंजाबी में सुनाऊं या उर्दू में सुनाऊं? पंजाबी में। सयाद असीर तू तनजन पुछया, तेरी कफ से उम्र तबाह हो गई, तेरी हर साल ईद बहार आंदी वे जिंदान कजा होगी, सुन बहार दा लव सयाद दे मुंह विचू पंछी ते शायद रवा होगी, डट्ठा फड़क के आबिद पिंजरे विचू रुन्ना कोई ना जान हवा होगी। वेरी नाइस। इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत थोड़ा सा, यानी कि जो उसको प्यार था ना, उसके प्यार में फंसा हुआ था, जब उसने उसको उसके प्यार उसके सामने नहीं आया, वो उससे छुप गया, दूर हो गया, तो उसने ना वो रोया ना उसने कोई किया, बस उसकी जान निकल गई। गिला शिकवा नहीं किया लेकिन उसकी जान निकल गई उसके प्यार में। वेरी नाइस। सर आप एक में शेर और आपको सुनाता हूँ। सुनाएं। फूल ना मिले तो मेरी कब्र पे आके मुस्करा देना, सुना है तेरे मुस्कुराने से फूल गिरते हैं। वाह, कब याद किए ये शेर? बहुत पुराने याद किए हुए। शौकीन मिजाज है। हाँ जी, शेर शायरी बहुत करते थे ना आपस में। ओके जी, आफ्रा की तरफ से आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और प्यारी हो जाए, ठीक है? जी बहुत प्यारी फैमिली थी, वो जो थे उनके हस्बैंड वो बड़े क्यूट से थे, मतलब उनसे इतना प्यार करते थे वाइफ से,
اور بھائی بہت انٹیلیجنٹ تھے. جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت. آپ کے ساتھ ٹائم کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. آج تو میں نے بہت انجوائے کیا کیونکہ اب سردیاں بھی آ گئی ہیں, تو سردیوں میں جو ہے آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس رہتا ہے, گرمی نہیں ہوتی کیونکہ مالز میں لوگ زیادہ آتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گرمی لگتی ہے. تو اب جو ہے موسم اچھا ہو گیا ہے, آپ لوگ جو بھی ہیں اپنے پہ فوکس کریں, اچھے اچھے ریڈی ہوں, اپنے آپ کو سردیوں کے حوالے سے اپنے اندر چینج لے کر آئیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میں نے بھی اپنی لکس جو ہیں وہ کافی چینج کی ہیں. بہت ساری لڑکیاں جو مجھے فالو کرتی ہیں تو وہ تمام لڑکیاں جو ہیں میں نے کہوں گی سردیوں کے حساب سے اپنا گیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا چینج کریں. اور چونکہ آج اقبال ڈے ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو اقبال ہیں وہ 9 November 1876 کو پیدا ہوئے تھے. اور اقبال نے جو اپنی سب سے زیادہ علامہ اقبال نے کتابیں لکھی وہ فارسی زبان میں لکھی تھی. اوکے, علامہ اقبال نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی تھی؟ تو جرمنی سے. تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اپنا فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا. اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.